सफर कैसा रहा आपका इतना दिन का? मुझे लगता है कि इट वाज अ लर्निंग, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इतने सारे डिफरेंट लोग मुझे देखने के लिए मिले और जस्ट फेल्ट कि एवरीबॉडी डजंट हैव अ गुड हार्ट एज यू हैव। वो आप लोगों को बिग बॉस के अंदर पता चल ही रहा होगा कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे हैं, और अगर निकी बोल रहे हैं वो ऑलरेडी बिग बॉस के अंदर रह चुकी हैं, वो जानती है कि किस तरीके का ये गेम है, और मैं क्या बोलूँ, आप लोग देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है, सो दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। आप लोगों ने देखा कि मैं कैसी हूँ, एंड मैं सबको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जब मैं बाहर निकल के आई और मैंने देखा दैट आई वाज ट्रेंडिंग एवरीवेयर, लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, वी स्टैंड बाय डोनल्ड, लोन वॉरियर डोनल्ड, यू नो अभी तो ट्रेंड कर रहा है नो डोनल्ड नो बिग बॉस 15। सो इस तरीके की चीज़ें देख के मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ भी डेलिबरेटली कुछ नहीं किया वहाँ पर, जैसी मैं हूँ मैं वैसी ही थी, और लोगों को मेरी पर्सनालिटी पसंद आई, लोगों को लोग मुझे बोल रहे थे कि डोनल्ड इज़ द रियल पर्सन इन बिग बॉस 15। सो इससे बेहतर और क्या चाहिए, आई एम जस्ट थैंकफुल। मैं मुझे ऐसा लगता है मैंने बिग बॉस जीत लिया इतना प्यार पाके लोगों का। वेल डोनल्ड, कहीं ना कहीं हमने देखा आपको कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि यू नो आप अपने आप का जो रियलिटी है वो दिखा पाए, लेकिन घर वालों ने आपको वो मौका नहीं दिया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसी मैं थी मैं वैसी ही थी, मैंने कोशिश ऐसी नहीं की कि मैं ये दिखाऊं कि मैं कैसी रियल हूँ, मैं वैसी ही थी जैसी आप लोगों ने मुझे देखा। मैं अपना स्टैंड लेती थी, मेरे जो ओपिनियंस थे वो मैं बोलती थी, बट लोग मुझे चुप करा देते थे जैसे आप लोगों ने देखा। बट आज मैं बोल पा रही हूँ बिकॉज जो मेरे साथ बीती है वो ऑब्वियसली सबको पता ज़रूर चलना चाहिए कि क्या हुआ है, बट मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब लोगों की कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। मैं सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, और जैसी मैं रियल हूँ वैसा उन लोगों ने समझा मुझे। शायद वो 14 लोग अंदर मुझे नहीं समझ पाए जो पूरी दुनिया ने मुझे समझा, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन तेजा और करण का कनेक्शन के बारे में आपको क्या कहना है? आप थे वो घर में? मैं घर में थी, मैंने तो नहीं देखा था तेजा और तेजस्वी और करण का कुछ भी कनेक्शन, बट आई थिंक करण अभी जंगल की तरफ वापस आ गए हैं, तो तेजस्वी को पता है किसको आगे बढ़ने के लिए अप्रोच करना है। आपको क्या लगता है कि जो कनेक्शन बना रहा है जेन्युइन किसका है कनेक्शन? जेन्युइन तो आई थिंक आई कांट से, सब व्यूअर्स हैं, सब लोग देख रहे हैं, और जो रियल है उसको रियल बोलते हैं, जो फेक है उसको फेक बोलते हैं। आई थिंक व्यूअर्स जो है वो सबसे बड़े है जिनको सब कुछ दिखाई देता है, तो आप कुछ प्रिटेंड नहीं कर सकते, वो भी दिखाई देता है। कैमरा जो होता है उसमें सब दिखाई, सारा इमोशन दिखाई देता है, क्या रियल है क्या फेक है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.